यही है कि विशाल अग्निहोत्री का इन चार कत्लों से ताल्लुक है या नहीं। और मेरे काबिल दोस्त, बजाय इस मुद्दे पर बात करने के इस देश के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर लॉर्ड, मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूं। पिछली तारीखों में विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ कोई सबूत या गवाह जुटाने में ये नाकाम रहे हैं, और आज की तारीख में भी अदालत के सामने कुछ कहे नहीं या रखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। परेशान होकर ये कुछ टटोलते हैं, तलाशते हैं और बातचीत के रुख को कई और मोड़ देते हैं। मिलॉर्ड, मैं पिछली तारीख के उस मुद्दे को दोबारा उठाना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, 7 नवंबर की ही रात एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ चेंबूर नाके में एक रिक्शा वाले से टकराती है। वहां मौजूद विशाल अग्निहोत्री की नजर उस हादसे पर पड़ती है। वो भागकर उस रिक्शा वाले को पकड़ता है और उस बूढ़ी औरत और बच्चे को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां के ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर पटेल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन शांतिनगर को इस केस के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा और हवालदार मात्री अपनी कार्रवाई पूरी कर देते हैं। इस कार्रवाई के दौरान विशाल को करीब 1.5-2 घंटे तक वहां हॉस्पिटल में बिठाया गया है। मिलॉर्ड, इस सच को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत और गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। पूरी तरह साबित हो चुका है कि मेरे मुवक्किल का इनमें से किसी भी एक कत्ल में कहीं कोई हाथ नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि यह बेकसूर नौजवान अपने सर पर 4-4 खून के इल्जाम लेकर इस अदालत में क्यों खड़ा है। मिलॉर्ड, ये नौजवान पुलिस की जाती दुश्मनी का शिकार हुआ है। कुछ अरसे पहले नाना चौक पुलिस स्टेशन में इसने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहां उसकी पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई थी, जिसके लिए इसने 4 रातें पुलिस लॉकअप में काटी। तब से नौजवान पुलिस की नजरों में चढ़ गया था। फिर पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने और अपना सिक्का जमाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड़ दिया था। बस मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं इस नौजवान के साथ और ज्यादती न की जाए। अदालत अपना फैसला सुनाकर इसे बाइज्जत बरी करे। अदालत में इस मामले की अब तक हुई कार्यवाही पर गौर करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है जिसके आधार पर मुल्जिम विशाल अग्निहोत्री को कातिल माना जाए। वकीली सफाई की दलीलें और विशाल के बचाव में रखे गए सारे सबूत भी यही साबित कर रहे हैं, लिहाजा ये अदालत विशाल अग्निहोत्री को बाइज्जत। नहीं भागूंगा यहां से, नहीं भागूंगा यहां से, भागूंगा नहीं। मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब, जगदीश खुराना की लाश पड़ी है यहां पर, मार दिया इसे मैंने, और आप ये कुर्सी छोड़ दो, आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। अरे बचा लिया, आज मैंने आपको एक गलत फैसला सुनाने जा रहे थे आप, और ये जगदीश खुराना, इसने इस अदालत में यह साबित कर दिया कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। बेकसूर हूं मैं, नहीं, मैंने एक नहीं 4-4 खून किए मैंने, और ये बात यह भी जानता था। अरे अदालत में आने से पहले इसने सब कुछ जान लिया था मुझसे, इसे मालूम था कि मैंने किसे कब कहा और किस हाल में मारा है। इसने मुझसे पूछा था कि गोली मैंने कितनी दूरी से चलाई थी, और वो गोली सीने में लगी थी या सर में, जिसका गला दबाकर मैंने मारा था उसके मुंह से खून निकला था या नहीं,
उसकी आंखें खोली थी या बंद, ये सब सब ये जानता था। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब? कुछ समझ में आ रहा है? 10 करोड़ रुपए लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए। जगदीश खुराना कानून का हिमायती नहीं, कानून के बाजार में अपनी दुकान चलाता था। मैंने कानून से बचने के लिए नहीं, कानून की आंखें खोलने के लिए अपना केस इसके हाथों में दिया था। यह अदालत है, इंसाफ होता है यहां पर, सच्चाई और झूठ की परख होती है यहां पर। नहीं, यहां पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बहिष्कार होता है, बहिष्कार, कानून का बहिष्कार। हर अदालत में जगदीश खुराना जैसे लोग करते हैं बहिष्कार, और हर अदालत में ऊंचाई पर इनके जैसा ही एक आदमी बैठा होता है, ऐसे ही। और बैठे होते हैं ये सब तमाशबिन लोग, पूरा तमाशा मजा लेकर देखते हैं। इनके लिए अदालत की कार्रवाई हो या मदारी का खेल, बस मजा आना चाहिए, मजा। क्यों आ रहा है ना मजा? मजा लो मजा। कुछ समझ में आ रहा है मजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब? अरे अगर तमाशा ही करना तो इतने बड़े तामझाम, इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत है? अरे बंद करो ये सब कुछ, बंद करो, बंद करो ये दुकान, बंद करो। और आप, हाँ ले चलो मुझे, ले चलो मुझे कालकोठरी में। लेकिन मैंने जिसे भी मारा है वो सब इसके जैसे थे, ये हरामी जैसे लोग थे वो सब। कुछ समझ में आ रहा है मजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहेब? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको? मजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहेब। अदालत में अपने ही पक्ष के वकील को जान से मार देने की घटना ने सारे शहर को चौंका दिया है। कल अदालत की कार्रवाई के दौरान मुलजिम विशाल अग्निहोत्री ने अपने ही वकील जगदीश खुराना की हत्या कर दी। शांत हो जाइए। देखिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। विशाल खुद किसी से नहीं मिलना चाहता। हमें आप अंदर जाने दीजिए, हम विशाल से कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन विशाल किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, ना ही किसी से मिलना चाहता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम विशाल से फिर बात करते हैं और देखते हैं कि वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं। हम विशाल से मिलकर ही रहेंगे। खामोश, मैंने कहा ना आप में से कोई भी विशाल से नहीं मिल सकता। कई सामाजिक संगठनों और बड़ी हस्तियों की मांग पर सरकार विशाल अग्निहोत्री के केस के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर रही है। 15 सदस्यों वाली ये कमेटी विशाल के केस से जुड़े हर पक्ष पर गौर करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। देखो विशाल, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, बेशक ये तुम्हारी अपनी सोच है, अपना फैसला है, मगर तुम्हारा ये केस अब तुम्हारा जाती मसला नहीं रहा है। इस शहर के हर आदमी की जुबान पर तुम्हारा नाम है, यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट की ईमानदारी पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। मैं जानता हूं तुमसे जो हुआ है वो एक तरह से गलत भी नहीं है, ये हालात हमारे सिस्टम ने ही तुम्हारे सामने खड़े कर दिए थे। ठीक है तुमने चंद गलत लोगों को मारा है, लेकिन विशाल इससे कहीं कोई बड़ा सुधार तो नहीं होने वाला। कुछ और लोग भी हैं सजा के हकदार, जो कुर्सियों पर अब भी चिपक कर बैठे हुए हैं। विशाल तुम्हारा ये केस कमेटी के सामने खुलने से लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट के जिन करप्ट ऑफिसर्स ने तुम्हारे खिलाफ बुराइयों का साथ दिया है वो लोग एक्सपोज होने चाहिए, उनके बारे में सबको पता लगना चाहिए। विशाल, सिस्टम से जुड़ा हर आदमी बुरा नहीं है, कुछ अच्छे और ईमानदार लोग भी हैं, उन्हीं की कोशिशों का यह नतीजा है कि आज भी आम लोगों का विश्वास हमने पूरी तरह से खोया नहीं है। मैं और मेरे कई ऑफिसर्स कमेटी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और विशाल मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारा साथ दो। ठीक है, कमेटी जो मुझसे पूछना चाहती है मैं बता दूंगा। कानून का एक और नया तमाशा देखने को मिलेगा डीजीपी साहब, लेकिन कमेटी को मिलने से पहले मैं अपने घर जाना चाहूंगा। Thank you.
विशाल अग्निहोत्री, डीजीपी साहब ने आपको हमारी इस कमेटी के बारे में काफी कुछ बता दिया होगा। मैं और मेरे साथी कानून और व्यवस्था के कई जिम्मेदार महकमों के साथ जुड़े रहे हैं। हमने कई संगीन अपराधों पर अपने फैसले भी सुनाए हैं। वैसे जुर्म के लिए तो कानून का एक ही नजरिया होता है, अपराध क्या है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा यह पहला केस है जिसके लिए कानून को अपने उसूलों से हटकर सोचना पड़ रहा है। मिस्टर विशाल, तुम्हारे मामले के वो पक्ष जो पुलिस ने अदालत के सामने रखे हैं, जैसे कि तुम्हारी चार्जशीट, तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ मिले सबूत, गवाह, सिर्फ उन्हीं को मद्देनजर रखकर इस कमेटी का किसी नतीजे पर पहुंचने का कोई इरादा नहीं है। यह कमेटी तुम्हारे मामले से जुड़े दूसरे पक्ष को भी देखना चाहती है और हमें यकीन है कि तुम पूरा सहयोग दोगे। मिस्टर कृष्णमूर्ति, आप? मिस्टर विशाल, कत्ल जैसा जुर्म किसी के हाथों भी एक जुनून में होता है और यह गुनाह हो जाने के बाद पछतावा होता है। मिस्टर खुराना को मारने के बाद ऐसा कुछ आपको भी महसूस हुआ? मिस्टर कृष्णमूर्ति, एक गुनहगार को सजा सुनाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? जाहिर है, मुझे सुकून मिलता है कि मैंने कानून की हिफाजत की है और एक अपराधी को सजा सुनाकर एक नेक काम किया है। You're right, मिस्टर कृष्णमूर्ति, नेक काम करने के बाद सुकून मिलता है, पछतावा नहीं होता। आई ऑब्जेक्ट मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर विशाल अग्निहोत्री को अपने बातचीत करने के ढंग पर कंट्रोल होना चाहिए। सच्चाई के एक लफ्ज से तिल मिला उठे। अभी तो मैंने अध्याय शुरू ही नहीं किया। आज यहां कानून का हर आदमी सच्चाई, ईमानदारी और मर्यादा को ताक में रखे जुबान पर इन लफ्जों को लिए घूम रहा है। अगर कानून कहीं कुछ होता तो मेरे नाम के साथ अपराधी नहीं जुड़ता। इंसाफ के लिए मैं आतंक के रास्ते पे ना चलता। लोग मुझे खूनी ना कहते, कई खूनों के इल्जाम अपने सर पे लिए बैठा हूँ। खूनी बनने के संस्कार मुझे घर से नहीं मिले। मेरे पिताजी एक स्कूल मास्टर थे, बच्चों में अच्छे संस्कार डालना उनका पेशा था। अपनी तकलीफों को भूल कर दूसरों के लिए जिया करते थे वो। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये अर्जियां उन्होंने अपने लिए नहीं लिखी। लोगों की तकलीफों को लेकर सरकारी दफ्तरों में भटकते रहते थे वो। कभी किसी की जमीन के लिए, तो कभी किसी की बेटी की दहेज के लिए, तो कभी किसी गरीब की जिंदगी के इलाज के लिए। पढ़िए आप लोग, पढ़िए।